बहुत ही अफसोस के साथ आपके साथ ये खबर शेयर करें। पंजाब में कोरोना वायरस का पहला मरीज दम तोड़ गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ट्वीट किया है, 57 साल का शहरी लाहौर के मेयो अस्पताल में ये जेरे इलाज था और कोरोना वायरस के बायस मुल्क इस वक्त मुश्किल हाल से गुजर रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का यह कहना है। जी नाजरीन, हम इस वक्त जो है वो मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हैं और कोरोना वायरस की वजह से पहली हलाकत जो है वो लाहौर में वाकई हुई है और जो जो बंदा हलाक हुआ उसका नाम था असरा सयाब, राणा टोन शेखपुरा का रिहायशी था और बताया जा रहा है कि चंद दिन पहले वो कश्मीर में एक जनाजे में शिरकत करने के लिए गया था और तकरीबन पिछले 8 दिन से वो जो है वो मेयो हॉस्पिटल में दाखिल था। आज वो दम तोड़ गया है और जो मिनिस्टर है हेल्थ के, उन्होंने एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करते हुए बताया है कि मरीज़ के जेरे साया जेरे इस्तेमाल जितनी भी चीज़ें थी, कपड़े जूते जो भी वो उसके जेरे इस्तेमाल था, उनको तलफ कर दिया जाएगा और जनाजे में बहुत कम से कम अफराद को जो है शिरकत की इजाज़त होगी, खसूस जो उसके बहुत करीबी रिश्तेदार होंगे उनको जनाजा पढ़ने की जो है वो इजाज़त होगी। तो नाजरीन, इस वक्त जो है हम आपको लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं मेयो हॉस्पिटल से कि पहली जो मौत वाकई हुई है कोरोना वायरस की वजह से, मरीज़ की एज थी 57 ईयर और नाम था अफरा सयाब, राणा टोन शेखपुरा का रिहायशी था और पिछले दिनों कश्मीर में वो एक जनाजे में शिरकत करके आया और 3 दिन बाद वो बीमार हुआ और उसको मेयो हॉस्पिटल का जो स्पेशल जो कोरोना वायरस का वार्ड है उधर उसको एडमिट किया गया। आज उसकी डेथ हो गई है और जैसा कि अभी डॉक्टर राशिद यास्मीन ने भी अपने ट्विटर में कहा है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और कुछ अदायात भी जारी की है कि मरीज़ के ज़ेर इस्तेमाल जितनी चीज़ें थी उनको तलफ कर दिया जाएगा और बहुत कम लोगों को जो है वो जनाजे में शिरकत की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। जी, अपने साथी रिपोर्टर मलक शौकत खोखर के साथ मलक शाकर, 88 न्यूज़। बहुत ही अफसोस के साथ आपके साथ ये खबर शेयर करें। पंजाब में कोरोना वायरस का पहला मरीज दम तोड़ गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ट्वीट किया है, 57 साल का शहरी लाहौर के मेयो अस्पताल में ये जेरे इलाज था और कोरोना वायरस के बायस मुल्क इस वक्त मुश्किल हाल से गुजर रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का यह कहना है। बहुत ही अफसोस के साथ आपके साथ ये खबर शेयर करें। पंजाब में कोरोना वायरस का पहला मरीज दम तोड़ गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ट्वीट किया है,